ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम कैंपस हलचल में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में गैंगरेप की घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परिजनों के साथ साथ अब कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो रही हैं। नागौर जिले के ढीडवाना महिला महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से एक SMS प्रणाली लगाई गई है। इस सुरक्षा प्रणाली से छात्राओं के लिए कॉलेज आने जाने के तुरंत बाद परिजनों को एक SMS मिलेगा, जिससे परिजनों को बच्चों की निश्चिंता हो जाएगी। वहीं सुरक्षा के हिसाब से क्षेत्र के लोग इसे महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। दिल्ली में जब से छात्रा धामनी के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद परिजनों के अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता होने लगी है। वहीं देर सवेर कॉलेज से आने वाली उनकी बेटियां कहीं धामनी की तरह बदमाशों के चुंगल में ना फंस जाएं, इसी की चिंता के निवारण को लेकर अब शिक्षण संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और सुरक्षा की नई नई तकनीक अपनाने में जुटे हैं। वहीं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ढीडवाना के महिला महाविद्यालय में SMS सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई है। वहीं महाविद्यालय द्वारा शुरू की गई इस सुरक्षा प्रणाली में छात्राओं के कॉलेज में एंट्री करने पर उनके आई कार्ड के साथ साथ उनका फेस डिटेक्ट और आई कॉन्टेक्ट से भी ये पहचान सुनिश्चित करेगा। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और मतलब आजकल ना छात्राओं पे बहुत सारे अत्याचार हो, जैसे अभी दिल्ली वाली घटना हुई थी, तो इससे ना फैमिली वालों को सबको पता चल जाता है, मैसेज चला जाता है उनके पास में, तो उनको पता चल जाता है कि ना कब बच्ची कॉलेज पहुंची और कब वापस निकल रही है वो। और भी मतलब अगर उनको कोई काम भी होता तो उनको पता रहता कि अभी फ़िलहाल वो कॉलेज में ही, अभी कॉलेज से बाहर नहीं गई है, तो कॉलेज पे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं अपनी बच्ची से। इस प्रणाली से एक फ़ायदा तो ये है कि जब हम घर से निकलते हैं तो यहाँ पहुँचने की सूचना हमारे घर वालों को पहुँच जाती है, इसलिए उनको टेंशन नहीं रहता है और ये डर नहीं रहता कि कब पहुँचेगी कब पहुँचेगी। और जब हम यहाँ से छूटते हैं तो हमारे मैसेज चल जाता है और जब हम कभी लेट हो जाते हैं तो वो हमारी जानकारी ले सकते हैं आसानी से और उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ढीडवाना महिला महाविद्यालय में लगाई गई इस SMS प्रणाली से जहां एक और सुरक्षा तो बढ़ी है, वहीं अध्यापकों का ये भी मानना है कि इससे छात्राओं के कॉलेज बंक करने पर भी लगाम लगेगी और छात्राएं अपनी अटेंडेंस को लेकर भी सजग रहेंगी। देखा जाए तो सुरक्षा और शिक्षण संस्थाओं के दोनों के हिसाब से ये SMS प्रणाली महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जैसे बच्चे टाइम से आना टाइम से जाना, इसके बारे में पेरेंट्स को पता चल जाता है, फिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं इस बारे में भी पेरेंट्स सभी जानकारी जान जाते हैं। कॉलेज में बच्चे, जैसे अब इन बच्चों का ये है कि अब वो बाहर नहीं ज़्यादा जा सकते हैं, हमारे महाविद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि अब ये हो गया, इसके लगने से उनके फादर को उनके गार्जियन को भी सारी बातें जैसे पता चल जाएगी, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आने वाले समय में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी दिमाग की जांच की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के सेंटर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी विभाग ने हाल ही में राज्य सरकार को ब्रेन मैपिंग शोध करने के लिए न्यूरोसाइंस डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं 28 करोड़ के इस प्रस्ताव के तहत सेंटर में न्यूरोसाइंस के अनुसंधान क्षेत्र में होने वाले डॉक्यूमेंटेशन स्थापित होंगे, जिससे विश्वविद्यालय में आने वाले पेशेंट्स को न्यूनतम या मुफ्त सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही यहां के छात्र भी इस क्षेत्र में शोध कर सकेंगे। ब्रेन मैपिंग के लिए होने वाले अनुसंधान में न केवल न्यूरोसाइंस डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, बल्कि मानव मस्तिष्क को समझने, मैपिंग करने, ब्रेन में संचालित सूचनाओं का विश्लेषण कर उसके आधार पर उन्नत वर्चुअल रियलिटी को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। आपको गुस्सा आता है या कोई भी आप में भावना जागृत होती है तो उस समय ब्रेन की प्रतिक्रिया क्या होती है, कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं, उन सब का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये समय आ गया है और विश्व स्तर पर की ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोजेक्ट के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि न केवल पूरे ब्रेन को मैप किया जाए, ब्रेन की कार्यप्रणाली को भी समझा जाए। और ब्रेन की कार्यप्रणाली बाकी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से काफ़ी उन्नत और भिन्न है और इसके बाद न केवल हम मशीन को मानव की तरह काम करने में सक्षम बना पाएंगे, बल्कि ये कि मानव की जो मस्तिष्क है उसको भी
ऑगमेंट कर पाएंगे, इंटेलिजेंस ऑगमेंट इंटेलिजेंस की बात हो रही। इस सेंटर में रखी जाने वाली मशीनों का संचालन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ यहाँ के छात्रों के द्वारा भी किया जाएगा। खास बात यह होगी कि मरीजों के इलाज के दौरान प्राप्त डाटा का इस्तेमाल विभाग के एमटेक स्टूडेंट्स और शोध के छात्र कर सकेंगे, जो कि पेशेंट्स की अनुमति के बाद ही होगा। इससे ब्रेन के बारे में कई जानकारियों का भी पता लगाया जा सकता है। सेंटर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अशोक नागावत की माने तो इस विषय में शोध करके न केवल दिमाग को पढ़ा जा सकता है, बल्कि दिमाग की जानकारियों में मशीनों के माध्यम से बदलाव भी किया जा सकते हैं। इससे कई तरह के क्राइम भी रोके जा सकते हैं और मनुष्य की आदतों में बदलाव किया जा सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी पूरे भारत का एकमात्र केंद्र है जहाँ पर कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंस के अंदर एमटेक डिग्री का प्रावधान है। और हमारे यहाँ पर चारों जो नैनो बायो इन्फो कॉग्नो इनकी कन्वर्जेंस के आधार पर पढ़ाई कराई जाती है। और इसके लिए हमने देखा कि छात्रों में काफ़ी उत्सुकता है। हमारे छात्र नए जो इसमें कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंस आज की तारीख में विश्व में सबसे नवीन तेजी से बढ़ने वाली तकनीकी है, इसमें उनकी रुचि है, तो उनको सुविधा देने के लिए तथा इसका फायदा जनता को भी हो हमने ये प्रपोजल दिया है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस डायग्नोस्टिक कम रिसर्च सेंटर। इंसान के साथ साथ इसमें जानवरों की भी ब्रेन मैपिंग करने की तैयारियां की गई हैं। योजना के हिसाब से यहां फंक्शनल एमआरआई मशीन, न्यूरो स्कैन ईईजी सिस्टम, आरएमएस ईएमजी मशीन, वर्चुअल लैब, एनिमल सेल, कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस लैब, जनरल डायग्नोस्टिक लैब के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिनका जानवरों और उनके व्यवहार को भी समझा जा सकता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो ये भारत में अपने प्रकार का प्रथम सेंटर होगा। अनिल सेन की रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। जयपुर के सेंट विल्फर्ड पीजी कॉलेज में बीएड और बीएसटीसी के छात्रों का एसयूपीडब्ल्यू कैंप शुरू हुआ। कैंप के पहले दिन रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, साथ ही छात्रों और अध्यापकों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के चेयरमैन सुरेश कुमार और सचिव केशव बड़ाया मौजूद रहे। वहीं बीएड कॉलेज की प्राचार्य शशि प्रभा खुराना ने बताया कि इस प्रतियोगिता में करीब 150 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही प्राचार्य ने बताया कि कैंप के दौरान इस तरह की ऐसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जिससे छात्रों को भविष्य में टीचिंग लाइन में मदद मिले। वहीं उन्होंने बताया कि इस कैंप के दौरान प्रतियोगिताओं को पर्यावरण से संबंधित भी कई गतिविधियों कराई जाएंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में आगामी 5 मार्च को प्रवीण गौतम स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी के जनसंचार केंद्र और प्रवीण गौतम स्मृति जनहितकारी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं विभाग अध्यक्ष और प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर संजीव भानावत ने बताया कि महिला उत्पीड़न की रोकथाम कठोर कानूनों से ही संभव है। विषय पर छात्रों द्वारा पक्ष और विपक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रवीण गौतम पूर्व यूनिवर्सिटी छात्र था जिसकी यूनिवर्सिटी परिसर में ही दुर्घटना से मौत हो गई थी, उसी की याद में इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता को प्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिता से छात्रों के सोचने समझने और विचार करने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रतियोगिता में जयपुर शहर के विभिन्न महाविद्यालयों को हमने निमंत्रित किया है और विषय रखा है वो भी समसामयिक मुद्दों पर आधारित है। इस प्रतियोगिता का विषय है महिला उत्पीड़न की रोकथाम कठोर कानूनों से ही संभव है। प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय से 2 प्रतियोगियों को हम आमंत्रित किया है। यहाँ एक विषय के पक्ष में विचार रखेंगे, एक विषय के विपक्ष में विचार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पूर्व परंपराओं के रूप में करीब करीब 10 से 15 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस हफ्ता हमने जाना शिक्षा सेमिनार और कल्चर इवेंट्स के बारे में। अब अपने कॉलेज कैंपस या शिक्षण संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी या खबर देने के लिए संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 01415115908 पर। हमारा
फैक्स नंबर है 0141-277-0355 पर आप ईमेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है campus@jantv.in पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अलग अलग कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटीज से जुड़ी जानकारियां और खबरों के साथ। तब तक के लिए महेश वर्मा के साथ संपूर्ण टीम को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। नमस्कार, मैं महेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कैंपस हलचल। दोस्तों, कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई का माहौल बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए। किस कॉलेज में हुआ सेमिनार, कहां हुआ कल्चर इवेंट्स और कहां शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स, इस सप्ताह हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न कॉलेज और कैंपस से जुड़ी तमाम जानकारियां और खबरें जो हम पहुंचाएंगे आपके लिए अभी। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर एकत्र होकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने और कानून बनाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ साथ आम लोगों ने भी समर्थन किया और हस्ताक्षर अभियान में शिरकत की। यह अभियान ASFI और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने शुरू किया, जिसका मकसद महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के साथ साथ वर्मा कमेटी को लागू करने की सिफारिशों को समर्थन किया गया। वहीं गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी पीठ सभागार में जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान और दिल्ली के बुद्धिजीवियों ने अपने वक्तव्य पेश किए। देश में महिलाओं, बच्चों और छात्राओं के खिलाफ जो यौन हिंसा बढ़ रही और खास करके उसमें भी जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आई, केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन जो लेके आई है उसमें आज भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी भूमिका को निर्धारित नहीं किया गया है। हमारी डिमांड है कि पूरे देश के अंदर एक सशक्त महिला अत्याचारों के खिलाफ कानून का निर्माण किया जाए और उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो काम है उसको निर्धारित किया जाए, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। इस डिमांड को लेकर के पूरे देश में आज जनवादी महिला समिति, नौजवान सभा और SFI का यह हस्ताक्षर अभियान है। राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई रिसर्च मेथोलॉजी विषय को लेकर सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को खासा फायदा हो रहा है। खासतौर पर इस वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल वर्क और बाहर से आए रिसोर्स पर्सन ने उनके रिसर्च वर्क को गति मिल रही है। वही वर्कशॉप में देश के कई राज्यों से रिसोर्स पर्सन के आने से शोध विद्यार्थियों को सेमिनार के अंतर्गत टॉपिक्स पर चर्चा हुई और स्टूडेंट्स के रिसर्च वर्क से जुड़े सवालों के जवाब मिल पाए। छह महीने का हमारा कोर्स वर्क होता है, तो उसमें जितनी भी चीजें हम आगे यूज करने वाले हैं हमारी रिसर्च के काम के लिए, उसके लिए जितने भी हमें टूल्स टेक्निक्स की जरूरत होती है वो सब हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बाहर से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी से सर आए थे, तो काफी ज्यादा मददगार है, हमें हेल्प करने वाला है और हमें बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं जिनसे हमें मदद मिलेगी हमारा टॉपिक ढूंढने में और अल्टीमेटली रिसर्च करने में। हुडिंग के बीच एक के बाद एक परफॉर्मेंस, ये नजारा था जयपुर के कनोडिया गर्ल्स कॉलेज का, जहां फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम साल की छात्राओं ने पार्टी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ काफी आनंद उठाया। वहीं इस मौके पर पायराइट्स ऑफ कैरेबियन का ड्रामा और अरबियन डांस ने समारोह में जान डाल दिया और छात्राओं ने कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपने भावी प्रोफेशन के बारे में भी सबको बताया। वहीं कुछ छात्राओं ने अपने टीचर्स की मिमिक्री की तो वहीं कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। We'll be right back.
इस तरह का कार्यक्रम क्योंकि हर साल ही होता है तो बच्चे तो इसको बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अपने तरह का अलग बिल्कुल कार्यक्रम है जिसमें कि टीचर्स फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और सारी परफॉर्मेंसेस भी टीचर्स की होती हैं, तो एक तो वो बहुत एंजॉय करते हैं इसको देखना। और इसके अलावा हम जो कि मैंने कहा भी वहाँ पे आज की, हम ये दिखाना चाहते हैं उनको कि हम हाउ मच वी लव देम। प्रदेश में सीनियर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को इस बार परमिशन लेटर के साथ साथ उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की जानकारी भी दी जाएगी। परमिशन लेटर के साथ योजना का पर्चा भी छात्र को भेजा जा रहा है। वहीं छात्रों में अच्छे अंकों के प्रोत्साहित करने के मकसद से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की जानकारी अब स्कूली छात्रों को बोर्ड एग्जाम के परमिशन लेटर के साथ दी जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान बोर्ड के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, 12वीं की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रति माह 500 रुपए छात्रवृत्ति देने की योजना। लेकिन इस योजना का लाभ वो स्टूडेंट्स नहीं उठा सकेंगे जो कि पहले से किसी तरह की छात्रवृत्ति उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक 50% स्टूडेंट ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है, जिसको लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं और कई बार तिथि भी बढ़ाई गई है। अब ये समस्या अगले वर्ष नहीं आए, इसके लिए बोर्ड के परमिशन लेटर के साथ ही योजना की जानकारी पर्चे के साथ भेजी जा रही है। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो 2012-13 की जो बजट घोषणा थी, इसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति, यानी साल में 5,000 कि जो बहुत अच्छा अमाउंट है, उसके लिए जो है इस योजना के जो जिले में जितने भी जो प्राइवेट और सरकारी सभी प्रिंसिपल्स को हमने बुलाया है, उन्होंने अपने कुछ डाउट्स वगैरह पूछी हैं, हमने सारी पूरी बता दी है। हमारी उम्मीद है कि जयपुर जिले में जो भी पात्र जो छात्र छात्राएं हैं उसकी इस योजना की पूरी लाभ उठाएंगे, और निदेशालय द्वारा भी जो है उन्होंने लास्ट डेट भी जो 31 मार्च तक बढ़ाई है। इस योजना के प्रति छात्रों में उदासीनता नजर आने के बाद अब निदेशालय योजना के प्रचार प्रसार में जान फूंकने में लगा हुआ है। इसी के तहत जिला शिक्षा कलेक्टर टी रविकांत और उच्च शिक्षा निदेशक नवीन जैन ने भी सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की बैठक ली। इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने प्राचार्यों को योजना के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए SMS और हाईटेक तरीके अपनाने का मशवरा दिया, जिसमें बैठक में कुछ प्राचार्यों ने तो कुशल कार्य की मिसाल भी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में इस समय मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना चल रही है, जिसका टारगेट है कि रेगुलर जो कॉलेज में और पॉलिटेक्निक में और तकनीकी स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपये महीने के हिसाब से 5,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा ये आ रही थी कि हमारा जो टारगेट था वो 1,00,000 स्टूडेंट्स तक पहुँचने का था, लेकिन उसके मुकाबले में फॉर्म्स कम आ रहे हैं। हम लोग आज के सेमिनार में यही बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे कि क्या कारण है कि या तो स्टूडेंट तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या हमारी संख्या ज्यादा है। इस संबंध में हमने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, हमने वो शेयर की हैं। हालांकि ज्यादातर कॉलेज उस गाइडलाइन पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि कुछ संख्या में हमें फॉर्म और मिलेंगे। बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसका जो ऑफिस से हमने पूरा डिटेल निकलवा लिया और डिटेल निकलवा के अलग अलग जो कैटेगरी के बच्चे थे उनसे कॉन्टेक्ट किया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है 280 बच्चे जो एलिजिबल हैं उनमें से लगभग 140 दूसरी उसमें हैं छात्रवृत्तियों में, और 85 जो हमारी गर्ल्स हैं उनको जो है स्कूटी अवार्ड हो चुकी है, और 91 स्टूडेंट्स ने अब तक हमारे यहाँ उसमें मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया है। राज्य सरकार की एक ऐसी योजना जिसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिसको किसी तरह की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लेकिन इस योजना में अभी तक स्टूडेंट्स की उदासीनता ही सामने आई है। हालांकि अब इसकी तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बड़ी तिथि तक 1,00,000 स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे। अनिल सेन, जन टीवी, जयपुर।
अजमेर के ब्लॉसम स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अजमेर मेयर कमल बाकोलिया और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश सारस्वत ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वर्ष भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रही छात्राओं को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को मेयर बाकोलिया ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सम्मानित किया। वहीं मेयर बाकोलिया का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में पढ़ाई लिखाई और रचनात्मकता का माहौल बनता है। झुंझुनू के चोड़ा चौक इलाके में झुंझुनू प्रगति संघ मुंबई द्वारा संचालित आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा फन फेयर एड फिस्टा 2013 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा तरह तरह की स्टॉलें लगाई गई, जिसमें गेम्स, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स मुख्य थी। वहीं फन फेयर का मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए मिक्की माउस का झूला और डांस प्रदर्शन रहा। वहीं फन फेयर का शुभारंभ मुख्य अतिथि लायंस क्लब झुंझुनू के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल एवं कैलाश सिंघानिया ने किया। वहीं अतिथियों के आगमन पर उनका स्कूली छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विश्व भाषा दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रागाल्य संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम में बच्चों को राजस्थानी भाषा की प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसमें राज्य सरकार से राजस्थानी भाषा को दूसरी भाषा दर्जा देने की प्रतिज्ञा देने की मांग की गई। वहीं इस अवसर पर साहित्यकार लक्ष्मी नारायण रंगा ने कहा कि प्रत्येक देश अपनी भाषा के सम्मान को बरकरार रखने के लिए आयोजन करता है। हम राजस्थानी हैं, इसीलिए राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, जिससे हम राजस्थानी भाषा को जल्द से जल्द राज्य की संवैधानिक मान्यता मिल सके, जिसके कारण राजस्थान का इतिहास संस्कृति का व्यापक असर देखने को मिलेगा। वहीं यह पूरा आयोजन राजस्थानी भाषा व संस्कृति को जिंदा रखने के लिए किया गया था। हम राजस्थान के लोग, क्योंकि हमारी मातृभाषा राजस्थानी है, अतः हम आज राजस्थानी मान्यता दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि राजस्थानी को जल्दी से जल्दी संवैधानिक मान्यता मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सरकार से यह भी मांग है कि वो राजस्थानी भाषा को राजस्थान की दूसरी राजभाषा के रूप में घोषणा करे। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग राज्य सरकार के अधीन है। वहीं कई राज्यों में यह विभाग किसी न किसी काउंसिल के अधीन काम कर रहा है। राज्य सरकार इस विभाग के जरिए युवा वैज्ञानिकों को नई दिशा और दशा देने का काम कर रही है, जिसके आने वाले दिनों में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विश्व विज्ञान दिवस के मौके पर इस बार 3 की बजाय 5 दिवसीय विज्ञान मेला झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस मेले की तैयारियों के लिए खुद मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा नवलगढ़ दौरे पर है। डॉक्टर शर्मा का दावा है कि 5 दिनों तक इस मेले के दौरान होने वाले कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को न केवल विज्ञान संबंधी ढेर सारी जानकारी मिल पाएंगी, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाएं भी आगे आएंगी। इस मेले का आगाज 28 फरवरी को गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल करेंगे। वहीं कार्यक्रम में राजकुमार शर्मा के अलावा चिकित्सा मंत्री दुरुमिया, खाद्य मंत्री परसादी लाल मीणा और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री मंजू मेघवाल सहित कई कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे। 4 मार्च तक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं। हमारा विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे और नवलगढ़ के सूर्य मंडल मैदान में होंगे। पिछली बार भी ये विज्ञान दिवस विज्ञान मेला हमारे नवलगढ़ में 3 दिवसीय रखा गया था। इस बार उसको 5 दिवस इसलिए रखा है कि पिछली बार 45,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों बच्चे इस बार आएंगे। उनको तारामंडल, लेजर शो, 3D पिक्चर्स और विज्ञान के अनेक मॉडल्स जो देश विदेश के अंदर जो प्रसिद्ध हैं, उनको सबकी जानकारी यहाँ पे उनको दी जाएगी। नवलगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस विभाग के जरिए विद्यार्थियों को विज्ञान के करीब लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
फिलहाल नवलगढ़ क्षेत्र की 4 स्कूलों को जयपुर से सीधे सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि यहां के विद्यार्थी विज्ञान विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी ले सकें। इसी तरह की योजना पूरे प्रदेश में लागू करने की स्कीम, 250 स्कूलों में ऐसे सैटेलाइट लगाए जाएंगे और प्रदेश की हजारों स्कूलों में राजीव गांधी विज्ञान क्लब खोलकर उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में इस विभाग को भी मुख्य धारा में लाया जा रहा है, जिसका सर्वाधिक लाभ विभाग के प्रति रुचि रखने वाले छात्र और छात्राओं को होगा। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं छात्राओं की सुरक्षा के लिए तकनीक का लिया सहारा।